आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा शहर है जहां ना तो धर्म है, ना पैसा है और ना ही सरकार। सुनकर हैरान हो गए ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इस जगह का नाम है एरोवली। वहीं शहर की स्थापना 1968 में मीरा अल्फाजो ने की थी। एरोवली नाम ये जगह चेन्नई शहर से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह को सिटी ऑफ डॉन यानी भोर का शहर भी कहा जाता है। आप सभी को ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस शहर को बसाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था और वो है यहाँ पर लोग जात पात ऊंच नीच और भेदभाव से दूर रहें। यहाँ पर कोई भी इंसान आकर बस सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई है और शर्त सिर्फ इतनी सी है कि उसे एक सेवक के तौर पर यहां रहना होगा। एरोवली के मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब है एक नगरी जो सबके लिए समान है। यहां सभी देशों के स्त्री पुरुष, सभी जातियों, राजनीति और सभी राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर शांति एवं सद्भावना की छाव में यहां रह सके। ताज्जुब की बात तो यह है कि आपने सभी मंदिरों में किसी ना किसी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति जरूर देखी होगी, लेकिन एरोवली के मंदिर में ऐसी कोई मूर्ति या तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल यहाँ धर्म से जुड़े भगवान की पूजा नहीं होती, यहाँ लोग आते हैं सिर्फ योग करते हैं। इस शहर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। VK News, राष्ट्र के नाम।